गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किसी भी नंबर के आगे जीरो कैसे ऐड करें। हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। मैंने विंडो की प्रेस किया है, इसमें एक्सेल सर्च कर दिया मैंने। ये देखिए एक्सेल ओपन हो चुका है। अब इसमें हमको क्या करना है, मैं आपको एक ही वीडियो में तीन तरीके बताऊँगी कि हम किसी भी डिजिट के आगे जीरो कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई डिजिट इसमें टाइप कर लेते हैं। तो ये नंबर मैंने यहाँ टाइप कर चुकी हूँ। फार्मूला टाइप करेंगे इसमें हम। फार्मूले के लिए क्या फार्मूला लगाना है, हमको इक्वल डबल कोट लगाना है, इसके बाद हमको जीरो प्रेस करना है, फिर डबल कोट को क्लोज करना है, फिर एंड ऑपरेटर को प्रेस करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है। इसके बाद हमको क्या करना है, जिस सेल में हमारा नंबर है, तो देखिए इस सेल में मेरा नंबर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ओनली एंटर कर देना है। तो देखिए डिजिट के आगे हमारा जीरो आ चुका है, लेकिन सिंगल जीरो आया है। अगर आपको इसमें और भी जीरो लगाना है, जैसे कि टू जीरो लगाना हो डिजिट के आगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये मेरे फार्मूला बार दे रखा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने इसमें एक जीरो और प्रेस कर देती हूँ, तो देखिए डबल जीरो मैं इसमें लगा दिया है। मेरे फार्मूला बार में भी आ रहा है डबल जीरो, और इस सेल में भी डबल जीरो आ चुका है। और इसमें अगर मैं एंटर करूँ, तो देखिए डिजिट के आगे हमारा डबल जीरो भी लग चुका है। आपको जितना जीरो डिजिट के आगे लगाना है, तो आप इस फार्मूले को टाइप करने के बाद इसमें आप जीरो टाइप उतने ही करिए जितने आपको चाहिए, और एंटर कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी डिजिट के आगे जीरो को लगा सकते हैं, जहाँ तक आपको ज़रूरत है, जितने भी आपको जीरो की ज़रूरत है आप उतने जीरो इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तरीका हमारा ये है। सेकंड तरीका क्या है, उस जीरो लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेल्स को थोड़ा मैंने इसको बड़ा कर दिया कॉलम को। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सेल्स के लिए जितनी सेल्स में आपको जीरो लगाना है। इसके बाद आप वहाँ जनरल पर जाना है। इसके बाद हमको इसको स्क्रॉल करना है डाउन, यहाँ नीचे लास्ट में टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करना है हमको। और इसके बाद हमको जितना इसमें जीरो लगाना है, तो देखिए आप डिजिट टाइप करना स्टार्ट करिए, और जीरो लगाया है मैंने, इसके बाद देखिए डिजिट पे डाल दिया और एंटर कर दिया। तो देखिए इस तरीके से भी आप अपना जीरो को लगा सकते हैं डिजिट के आगे। ठीक है, नेक्स्ट तरीका क्या है मेरा, जैसे कि अगर मुझे इसमें और भी जीरो की ज़रूरत है, इसको सेलेक्ट किया है, अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया है वन, और कस्टम पर गए हम, और जनरल ऑप्शन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसमें मैंने जैसे कि वन टू थ्री, ये थ्री बार जीरो टाइप किया है, और इसके बाद हमको क्या करना है, ओके। तो देखिए यहाँ तो मेरा हो चुका है, लेकिन अब मैं इसमें डिजिट जो टाइप करूँगा, जैसे मैंने वन जीरो डाला, ओनली जीरो टाइप किया एक बार और फाइव डाल दिया, तो एंटर किया, तो हमने मैंने थ्री जीरो टाइप किए थे ना, तो देखिए यहाँ पर ओनली टू जीरो आया। क्यों आया टू जीरो, क्योंकि हमारी थ्री वाली तो डिजिट है, तो इसमें टोटल कितना हो गया, थ्री हो चुका है। अगर आपको थ्री जीरो चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल वन प्रेस करने का आपको क्या करना है, कस्टम पर जाना है। कस्टम पर जाने के बाद देखिए मैंने थ्री जीरो टाइप किया है, तो हम उनको क्या करना है, फोर जीरो टाइप करके और ओके कर देना है। तो देखिए अब आपके डिजिट के आगे थ्री जीरो ही आएंगे। जैसे मैंने ये टाइप किया जीरो और सिक्स प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया, तो थ्री जीरो आपके आ चुके हैं इस तरीके से। तो ओनली अगर आप डिजिट टाइप करो डायरेक्ट आपको चाहेंगे, तो जैसे मैं थ्री प्रेस किया, जीरो नहीं लगाया और एंटर कर दिया, तो देखिए थ्री जीरो भी इस तरीके से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे सेल्स को सिलेक्ट किया था इस वाले सेल से, और इसको जो किया है मैंने थ्री जीरो वाले का, वहाँ टाइप किया था थ्री जीरो, इस वजह से आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल में किसी भी डिजिट के आगे जीरो को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।